ये आज रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने वाले हैं 5 मिनट में, जो क्या कहते हैं 5 मिनट में कर लेगा वो विनर होगा। ठीक, अब टाइम ओवर हो गया है, अब बारी किसकी है? आशिर की। अब आशिर ट्राई करो। आशिर अब तुम्हारा टाइम स्टार्ट। 3, 2, 1 स्टार्ट। आशिर से नहीं बन रहा है अब अहमद बनाएगा। मैं चलो अब अहमद का टाइम स्टार्ट। 3, 2, 1 स्टार्ट। माशाल्लाह 5 मिनट के अंदर अंदर बना दिया। कितने मिनट लगे? 2 मिनट। चल गुड, अहमद ने बना लिया तो ये चैलेंज अहमद जीता। अब चलते हैं दूसरे चैलेंज की तरफ। चलो तो ये अब दूसरा चैलेंज। अब हम करने जा रहे हैं स्लाइस जूस चैलेंज। अब देखते हैं कौन सबसे पहले ये स्लाइस जूस जिसने पहले ख़त्म कर लिया वो इसका विनर होगा। जैसे कि आपने देखा था पिछली बार अहमद विनर होगा। तो अच्छा, इसमें आपने स्ट्रॉ भी खुद खोलनी है। अभी फिर स्ट्रॉ को इंसर्ट भी करना है जूस के डब्बे में, ये भी इसका ही हिस्सा है। फिर आपने पीना भी है और पी के आपको ये शो भी करना है कि उसमें नहीं है कोई बचा हुआ, यानी एक सिप भी लेफ्ट नहीं होना चाहिए, वरना फिर वो चीटिंग होगी क्योंकि इसमें से देखो दिख नहीं सकता। लेकिन अगर बाद में भी हुआ तो फिर विनर जो है वो दूसरा हो जाएगा। तो आपको बहुत ही ज़्यादा जो है वो ऑनेस्टी के साथ खेलना है। ओके, ऑनेस्टी नहीं करेगा उसको फिर। हाँ, तो ये मतलब बहुत ही ऑनेस्ट चैलेंज है, ऑनेस्टली से खेलना है। ओके, तो मैं जैसे ही बोलूँगी ना गो, तो गो पे आप लोग स्टार्ट करेंगे। तो मैं शुरू करती हूँ। रेडी स्टेडी गो। तो भाई अहमद, फैजान और आशिर, चलो भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीनों बच्चों के जूस के डब्बे मुंह में पहुंच गए, गिराना नहीं दबा दबा के। अच्छा फैजान, सबसे पहले फैजान की मुझे आवाज आई है, सबसे पहले फैजान जीता। अंदर है, अंदर है, अंदर है। रहता है थोड़ा सा। इसमें भी थोड़ा सा है। देखो एक दूसरे का चेक करो, अहमद का चेक करो। थोड़ा सा है। फैजान का काफी सारा बचा है। चलो तो फिर क्या करें, ड्रॉ कर दे इसको। सबके एक एक सिप बचा है। फैजान ने चीटिंग टाइप हो गया, उसकी जल्दी उठा दिया। चीटिंग कैसे हो गई? उसकी स्ट्रॉ ही इतनी थी। अच्छा था नहीं, हाँ चली गई ना, तो सही से पीना चाहिए था ना। चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं हुई है, उसने कोई जानबूझ के तो नहीं की है। लेकिन जो हारा कोई नहीं हारा है। चलो ड्रॉ कर देते हैं चैलेंज को। मुझे खुद किसी को अनाउंस करते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अगर ऑनेस्टी के साथ करें तो सबका ही एक एक सिप तो सबका ही रहता है, लेकिन फैजान का थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। लेकिन फैजान की सबसे पहले आवाज़ आ गई थी तो मैं समझी शायद फैजान ने सबसे पहले ख़त्म कर ली।
हाँ भाई, अगले चैलेंज के लिए तैयार हैं बच्चे? तो कौन सा चैलेंज पहले करोगे, नूडल्स चैलेंज पहले करोगे या पिज़्ज़ा चैलेंज पूरा? आई थिंक नूडल्स चैलेंज नूडल्स चैलेंज या पिज़्ज़ा चैलेंज? नूडल्स पहले। चलो तो फिर मैं जब तक आप तीनों को नूडल्स सर्व करती हूँ, फिर देखते हैं पहले कौन ख़त्म करता है। ओके, अब हम करने जा रहे हैं नूडल्स चैलेंज, तो अब देखते हैं कौन सबसे पहले खाता है, तो स्टार्ट करना। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं, रेडी स्टेडी गो। बस गले वाले में नहीं फंसाना। कुछ लोग तो मुंह ऊपर ही नहीं उठा रहे। वाह भाई वाह, ये अच्छा चैलेंज है, खाने को भी मिल रहा है, मजे का मजा, खाने का खाना है भाई, सही है ना? हेलो फैजान, बेचारा बच्चा। फैजान जीत गया क्या? फैजान और अहमद, अहमद की प्लेट बिल्कुल खाली, फैजान का बस एक दो नूडल बचा है, फैजान सेकंड और थर्ड, आशिर थर्ड। चलो भाई, फिर भी मेरे लिए तो भाई तीनों विनर हैं, यू ऑल आर विनर्स। ओके वेरी गुड, अब चलते हैं नेक्स्ट चैलेंज की तरफ। बीच में अगर आप लोगों को सॉफ्ट ड्रिंक्स, पानी, जूस कुछ पीना है तो पीने, ओके, फिर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैलेंज की तरफ, वो है पिज़्ज़ा चैलेंज। तो एक एक स्लाइस पिज़्ज़े का सबके सामने है, तो देखते हैं कि सबसे पहले पिज़्ज़ा का स्लाइस कौन ख़त्म करता है। और फिर वही, इसके लिए भी वही रूल्स हैं कि जो खाएगा सबसे पहले हाथ ऊपर कर ले कि हमने फिनिश कर लिया, अपनी प्लेट दिखा दे। और दूसरा ये कि कोई भी चीज़, मतलब पिज़्ज़ा से रिलेटेड कोई चीज़ प्लेट में नहीं होनी चाहिए, कोई लेफ्ट नहीं, कोई सब, मतलब वेजिटेबल का कोई टुकड़ा या चिकन का कोई टुकड़ा, ठीक है? तो बिल्कुल ऑनेस्टी से खेलना है, फेयर खेलना है, फेयर चैलेंज होगा बिल्कुल, नो फेवरेटिज्म। ओके, तो मैं जैसे गो बोलूँगी आप लोग स्टार्ट हो जाएंगे, कोई फोक्स नाइफ्स की ज़रूरत नहीं है, बस देसी तरीके से खाओ, अभी चैलेंज जीतना है और कुछ नहीं करना है। तो रेडी स्टेडी गो। सीधे हाथ से खाओ, सीधे हाथ से। आराम आराम से खाओ बेटा। चलो चलो आशीष, चलो कंटिन्यू। और ये हमारा फैजान जीत गया। चल लेकिन मुंह का खत्म करना है। मुंह में भी नहीं होना चाहिए, मुंह का खत्म करना है। आराम से आराम से, ऐसे नहीं कि बाहर निकल आए। ओके आराम से आराम से। हो गया, फैजान जीत गया, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम इसको स्टॉप